बच्चों अस्सलाम वालेकुम। बच्चों आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो बेटा देखिए, पहले रेशियो क्या होता है। रेशियो के देखिए डेफिनेशन ये है कि रेशियो बेसिकली दो क्वांटिटीज विद सेम यूनिट्स, ठीक है, उनके दरमियान जो रिलेशन होता है डेट इज कॉल्ड रेशियो। ठीक है, अब देखिए डेफिनेशन लिखी हुई है, अ रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड मेजर्ड इन सेम यूनिट्स इज कॉल्ड रेशियो। ठीक है, यानी दो क्वांटिटीज के दरमियान जिनके यूनिट भी सेम हो उनके दरमियान जो कंपैरिजन होता है उसे हम कहते हैं रेशियो। ठीक है, अच्छा अब देखिए लिखा है कि इफ ए एंड बी आर टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड एंड बी इज नॉट जीरो, देन रेशियो ऑफ ए एंड बी इज रिटन एज, यानी ए रेशियो बी को हम ए अपॉन बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपने इन्हें याद रखना है कि यानी दोनों जो क्वांटिटीज हैं वो से उनका यूनिट सेम होना चाहिए, और आप रेशो को फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, यानी ए रेशो बी को आप ए अपॉन बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसकी एग्जांपल ये है कि इफ अ हॉकी टीम विंस 4 गेम्स एंड लूज 5, ठीक है, यानी 5 4 गेम जीत रही है और 5 वो क्या कर रही है, हार रही है, देन द रेशियो ऑफ द गेम्स वॉन टू गेम्स लॉस्ट इज 4:5 या 4/5। यानी देखें जो है वो टीम जो है 4 मैच जीत रही है और 5 हार रही है, तो उसका रेशियो हो जाएगा 4:5 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए इसके कुछ पॉइंट्स हैं रेशियो के। जो पहला पॉइंट वो ये है, द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स इन अ रेशियो इज इम्पोर्टेंट। यानी देखें जो रेशियो में ऑर्डर है वो इम्पोर्टेंट होता है, यानी जो पहली वैल्यू डिफरेंट होती है, यानी पहली वैल्यू और जो सेकंड वैल्यू उसको देखने का टेक्निक होती है क्या होती है, डिफरेंट होती है। यानी अगर आप ए रेशो बी लिखेंगे तो उसका आंसर डिफरेंट आएगा, और बी रेशो ए का आंसर क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। इन रेशो ए रेशो बी द फर्स्ट टर्म ए इज कॉल्ड एंटीसीडेंट, यानी रेशो में जो पहली टर्म है उसको एंटीसीडेंट कहते हैं, एंड द सेकेंड टर्म बी इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट, और जो दूसरी टर्म है उसे हम कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। और फिर यह है कि अ रेशियो हैज नो यूनिट्स, यानी रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है, अभी आपको बताऊंगा, देखिए कि अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है कि 5 kg और रेशियो 10 kg है, तो देखिए इसे हम लिख सकते हैं 5 kg डिवाइडेड बाय 10 kg। आप देखेंगे ये केजी से केजी क्या हो जाएगा, कैंसिल, और 5 1 5, 5 2 10, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2, या आ जाएगा आपके पास 1:2, तो रेशो का यूनिट नहीं होता। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। अब रेशो के आगे हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे प्रोपोर्शन। ठीक है, तो प्रोपोर्शन बेसिकली क्या होता है, दो रेशोज को जब हम इक्विवेलेंट यानी इक्वल रखते हैं तो डेट इज कॉल्ड यानी आपके पास प्रोपोर्शन। तो अब आपको प्रोपोर्शन की डेफिनेशन लिखवा समझाता हूँ और फिर लिखवाता हूँ, फिर हम रेशो के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो बल्कि पहले हम रेशो के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद फिर जो है हम प्रोपोर्शन करेंगे। ठीक है, अब बेटा ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका फर्स्ट पार्ट है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशो ए रेशो बी एंड एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट इन लोएस्ट फॉर्म। यानी ये आपको जो टर्म्स दी हुई हैं आपने इनको एक तो लिखना है रेशो की फॉर्म में, और फिर आपने इनको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है, और इसे फिर लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब बेटा देखिए ये आपका क्वेश्चन है कि ₹750 और ₹1,250। बेटा पहले स्टेप में तो आपने इनको रेशो की फॉर्म में लिखना है, आप लिखेंगे ₹750 और यहाँ दरमियान में आपके पास आ जाएगा रेशो। ठीक है, और फिर आपके पास आएगा ₹1,250। तो बेटा ये तो आपके पास आ गई रेशो की फॉर्म में। ठीक है, अब आपने इसको लिखना है फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि अगर आपके पास देखिए ये लिखा हो कि वी नो दैट, अगर आपका ए रेशो बी है इसे आप ए अपॉन बी भी लिख सकते हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में, ए अपॉन बी। अब आप इसे लिख लेंगे, देखें ₹750 और डिवाइडेड बाय ₹1,250।
है, आप देखिए जो कैंसिल हो रहा है आप कैंसिल कर दें। अब देखिए ये रुपीज से रुपीज हो जाएगा कैंसिल, रुपीज से रुपीज कैंसिल, तो ये 1-0 से 1-0 कैंसिल। तो नेक्स्ट टाइम में आपके पास ये आ जाएगा 75/125। अब बच्चों देखिए ये हो रहा है 25 के टेबल से कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो जब आप 25 के टेबल से कैंसिल करेंगे, 25 3 75 और 25 5 125, तो ये आपके पास आ जाएगा 3/5। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया, 3/5 भी आप लिख सकते हैं, या आप देखिए 3/5 और 3:5, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म भी आ गई और रेशियो की फॉर्म में भी आ गया और फ्रैक्शन की फॉर्म में भी आ गया, ठीक है। अच्छा अब बेटा देखिए नेक्स्ट पार्ट आपके पास है, इसका जो पार्ट टू है, देखिए पार्ट टू आपके पास है कि 450 सेंटीमीटर और 3 मीटर। तो बेटा आपको मैंने बताया कि रेशियो हमेशा सेम यूनिट से निकालते हैं, ठीक है। ये रेशियो में यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो पहले स्टेप में तो आपने क्या करना है कि इनके यूनिट बनाने हैं सेम। आप देखिए ये 450 सेंटीमीटर है और दूसरा 3 मीटर है, तो या तो आप सेंटीमीटर को मीटर में ले आए या मीटर को सेंटीमीटर में। तो ज़्यादा इजी आपको याद है, ये होता है कि वी नो दैट ये 1 जो मीटर है ये होता है आपके पास 100 सेंटीमीटर। तो देयर फोर जो आपका 3 मीटर आ जाएगा, देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगा 300 सेंटीमीटर। तो यूनिट देखिए आपके पास ये आ गया, सेम आ गया। अब आप इसे लिख देंगे, देखें देयर फोर ये 450 सेंटीमीटर, ठीक है, और फिर रेशियो 300 सेंटीमीटर। चाहे तो आप यहाँ पर भी देखिए सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 450 और रेशियो 300। और मज़ीद अगर आप इसे सिंप्लीफाई करना चाहें, ठीक है, इसे मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखें ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास आ जाएगा 45 और रेशो 30 आ गया। अब देखिए 15 के टेबल से कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है, तो 15 3 द 45 और 15 2 द 30, तो ये आपके पास आ जाएगा 3:2। और अब इन्होंने कहा कि आप इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिखें, तो फ्रैक्शन की फॉर्म में आप यहाँ लिख सकते हैं कि इन फ्रैक्शन फॉर्म या इन फ्रैक्शनल फॉर्म 3/2, तो ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। अब आ जाए नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट आपके पास ये है कि जो पार्ट थ्री है, जो 4 kg, उसके बाद है 2 kg और 750 ग्राम, ठीक है, यानी 4 kg है और 2 kg 750 ग्राम है। तो बेटा देखिए इसमें भी आपने यूनिट करना है सेम, तो या तो आप केजी को ग्राम में चेंज कर दें या ग्राम को केजी में। तो ज़्यादा आपको पता इजी ये होता है कि आप जो है केजी को ग्राम में चेंज करना आसान होता है। तो आपको पता ही है कि वी नो दैट जो 1 kg है ये होता है 1000 ग्राम के, ठीक है। तो देयर फोर आपको पता है 2 kg जो आपके पास आ जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 1000, ये आ जाएगा 2000 ग्राम। और फिर देखिए आपके पास ये है कि 2 kg और 750 ग्राम है, तो ये आपके पास आ जाएगा 2750 ग्राम, ठीक है, 750 ग्राम ये आपके पास, ये आपने 2000 में 750 को जब ऐड कर देंगे तो 2750 ग्राम आ गया। अब देखिए ग्राम में फिर आपके पास ये कन्वर्ट हो गया दोनों क्वांटिटीज, तो देयरफॉर देखिए जो 4 kg है,
4 kg को भी देखिए आप लिख सकते हैं, जो 4 kg है, 4 kg भी देखिए, 4 × 1000, तो ये आ जाएगा 4000 ग्राम। अब देखिए जो रेशो आपके पास बन जाएगी, देयर फोर देखिए आपके रेशो की फॉर्म में आ जाएगा 4000 ग्राम और रेशो 2750 ग्राम, ये आपके पास आ गया। अब देखिए जो कैंसिल हो रहा है उसे आप कैंसिल कर दीजिएगा, एक ग्राम से ग्राम क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास आ गया 4000 रेशो 2750। अब देखिए यहाँ 0 से 0 आप कैंसिल कर दीजिएगा, ठीक है, तो ये आपके पास आ गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास आ गया 400 / 2750। अब अगर आप चाहें इसको कैंसिल कर सकते हैं 5 के टेबल से, ठीक है, जब आप 5 के टेबल से कैंसिल करेंगे तो 5 8 द 3 और 5 0 0 और फिर 5 5 द 25, 2 यहाँ पर कैरी आ गए, 25 हो गया, तो 5 5 द 25, ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 80 ratio 55। अब देखिए मजीद ये 5 के टेबल से कैंसिल हो रहा है, तो ये आपके पास आ जाएगा देखिए 16 5 द 80 और 11 5 द 55, तो ये आ जाएगा 11 5 1 द 5 और 5 1 द 5, 11 5 द 55। बेटा ये आपके पास आ गया देखिए 16 ratio 11 आपके पास आ गया, ठीक है, तो अगर आप फ्रैक्शन की फॉर्म बनाना चाहेंगे तो फ्रैक्शन की फॉर्म आ जाएगा 16/11, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। हाँ अब देखिए इसका जो पार्ट 4 है, ये पार्ट 4 आपके पास ये है, देखिए पार्ट 4 अगर 27 मिनट्स थर्टी सेकेंड और फिर अब 1 आवर। बेटा देखिए ये भी अब आपने यूनिट करना है सेम, ठीक है, तो देखिए अगर 27 मिनट्स है, 30 सेकेंड्स है और 1 आवर, तो आपको बताया है कि जो रेशियो है उसमें यूनिट होना चाहिए सेम, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि आवर्स को और मिनट्स को चेंज करेंगे सेकेंड्स में। आपको ये पता ही है देखें तो जब आप इसको कन्वर्ट करते हैं, ये जो 1 मिनट है, 1 मिनट वी नो दैट 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स, ठीक है, और जो 1 आवर है, 1 आवर 60 × 60 सेकेंड्स, ये आपके पास आ जाएगा 3600 सेकेंड्स, ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब देखिए पहले आपके पास 27 मिनट्स और 30 सेकेंड है, लेकिन तो जब आप इसको पहले कन्वर्ट करेंगे तो देखिए 27 मिनट्स और 30 सेकेंड्स को, देखिए ये 27 × 60 और +30 सेकेंड्स, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है, यानी आपने 27 को 60 से मल्टीप्लाई कर दिया और 30 सेकेंड इसमें ऐड कर दिए, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 1650, 1650 सेकेंड्स, ठीक है, और दूसरा देखिए आपके पास क्या है, 1 आवर है, तो आपको ये तो पता ही है कि वी नो दैट जो 1 आवर है, जो 1 आवर वो 3600 सेकेंड हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, ठीक है, अब आप इसे लिख लेंगे देयर फोर 1650 सेकेंड्स और रेशो 3600 सेकेंड्स। अब देखिए सेकेंड से सेकेंड को कैंसिल कर दीजिएगा,
ये आपके पास आ जाएगा 1650 और रेशो 3600। अब बच्चों यहाँ पे आप क्या करेंगे कि 0 से 1 0 कैंसिल कर दीजिएगा, ये 0 से 0 कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में 1650 और रेशो 3600। अब बेटा देखिए, अब आप इसे कैंसिल कर देंगे 5 के टेबल से, ठीक है? तो जब आप 5 के टेबल से कैंसिल करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5 3 15, एक यहाँ पर कैरी 15 हो गया, और 3 5 15 35, ठीक है? और इसे भी जब आप कैंसिल करेंगे देखें, 5 7 35, और एक यहाँ पे कैरी 10 हो गया, और फिर 5 2 10, तो ये आ जाएगा 35:72। सो यहाँ पर आपके पास ये आ जाएगा देखें, 3 5 15 और एक यहाँ कैरी 15, 3 5 15 33, तो ये आपके पास देखिए आ गया 33:72, तो 33:72। अब बच्चों देखिए हम लोग क्या करेंगे, दोबारा देखिए आप इसको 3 के टेबल से कैंसिल करेंगे, ठीक है? जब 3 के टेबल से कैंसिल होगा आपके पास 3 11 द, और देखिए 3 2 द 6, एक यहाँ पर कैरी 12 आ गया, और 3 4 द 12, तो ये आपके पास आ गया 11:24। और अब आप इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, 11/24, तो ये आपका आंसर है, ठीक है? अब जो नेक्स्ट पार्ट है, ये 75 डिग्री और 225 डिग्री है, तो ये आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है? अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 यू है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। बेटा ये क्वेश्चन नंबर 2 है और ये एग्जाम में भी आया हुआ है कि इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 25 स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। ये क्लास है उसमें 60 टोटल स्टूडेंट्स हैं जिसमें से 25 गर्ल्स हैं, एंड रिमेनिंग स्टूडेंट्स आर बॉयज़ और बाकी के बॉयज़ हैं। तो कंप्यूट द रेशियो ऑफ, यानी आपने रेशियो फाइंड करनी, नंबर 1 बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स, बॉयज़ टू गर्ल्स। तो बेटा देखिए, जब पहले स्टेप में तो आपको ये दिया हुआ है जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये आपके पास है कितना, 60 टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 60। अब बेटा देखिए, गर्ल्स आपके पास कितनी है, 25 है। गर्ल्स कितनी है, 25 है, ठीक है? तो पहले हम बॉयज ढूंढ लेंगे, ठीक है? तो पहले हम लिखेंगे, फर्स्ट वी फाइंड बॉयज, फर्स्ट वी फाइंड बॉयज। बेटा देखिए, बॉयज के लिए क्या करेंगे, जो बॉयज आ जाएगा आपके पास टोटल स्टूडेंट्स, वहां पर कितने हैं, 60 हैं, और माइनस जो गर्ल्स कर देंगे आप 25, तो ये आपके पास आ जाएगा कितना, 35। तो 35 आपके पास आ गया बॉयज, ठीक है? अब देखिए जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में इन्होंने कहा आपसे कि बॉयज टू टोटल स्टूडेंट्स के आपने रेशियो फाइंड करें। जो फर्स्ट पार्ट है, बॉयज टू टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है बच्चों? तो पहले स्टेप में आपने ये फाइंड करना है, बॉयज टू टोटल स्टूडेंट्स। अब बेटा देखिए, बॉयज आपके पास कितने हैं, बॉयज आपके पास है 35, और रेशियो टोटल स्टूडेंट्स आपके पास हैं 60। तो बच्चों देखिए, रेशियो को हम लिख सकते हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में, 35/60, ठीक है? अब देखिए कैंसिल कर दें, इस टेबल से कैंसिल हो, 5 के टेबल से 5 7 द 35 और 5 12 द 60, तो ये आपके पास आ गया 7/12, और रेशियो की फॉर्म में आप लिख सकते हैं 7:12। बेटा पहला आंसर तो आपके पास ही आ गया, ठीक है, 7:12। अब सेकंड पार्ट देखें, देखिए सेकंड पार्ट आपके पास ये है कि बॉयज टू गर्ल, नंबर 2 बॉयज टू गर्ल्स,
अब बच्चों देखिए, बॉयज आपके पास है 35 और गर्ल्स आपके पास है 25। आप इसे चाहे तो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, 35/25। अब देखिए ये टेबल से कैंसिल हो रहा है, 5 के टेबल से 5 7 द और 5 5 द, यानी आपके पास आ गया 7/5। उस क्लास में समझे कि जैसे 7 लड़कियां हैं और 5 लड़के हैं, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 7:5। इस रेशो में क्लास में बॉयज और गर्ल्स हैं, ठीक है। तो अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 3। अब बेटा देखिए, यहाँ से तो आसान सा ही है, अच्छा बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 आसान सा है कि इफ 3 ब्रैकेट में 4x-5y यानी मल्टीप्लाई हो रहा है इज इक्वल 2x-7y, फाइंड द रेशो एक्स रेशो वाई, यानी आपने एक्स रेशो वाई फाइंड करना है, ठीक है। तो बेटा देखिए, इसमें हम लोग करेंगे क्या, देखें कि आपको बताया ही हुआ है, अगर देखिए जैसे ए रेशो बी है, इसे आप ए अपॉन बी लिखते हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने करना क्या है, आपने एक्स और वाई को एक तरफ लेके आना है और एक्स अपॉन वाई की फॉर्म बनानी है, ठीक है। जब वो बन जाएगी तो फिर आप लिखेंगे एक्स रेशो वाई। इसे देखिए सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, गिवन डेट 3 और फिर 4x-5y इज इक्वल टू 2x-7y। अब बेटा देखिए, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 4 12x और 3 5 15y इज इक्वल टू 2x-7y, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि एक्स की टर्म्स एक तरफ ले जाते हैं, वाई की टर्म्स एक तरफ ले जाते हैं, ठीक है, ताकि आप ए अपॉन बी की फॉर्म बना लें। अब बेटा देखिए, आपके पास आ जाएगा 12x और ये -2x, लेफ्ट पे लाके माइनस कर दिया, और ये 15y यहाँ पर नेगेटिव है, राइट पे जाके प्लस हो गया 15y और ये -7y। अब बेटा देखिए, आ जाएगा 12x-2x, ये आपके पास आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 15y-7y 8y। अब हम क्या करते हैं कि वाई को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, वाई को लेफ्ट पर ले आते हैं और 10 को राइट पर ले जाते हैं, ठीक है। तो देखिए आपके पास आएगा एक्स अपॉन वाई और ये 8/10। अब देखिए ये कैंसिल हो रहा है, 2 4 द 8 और 2 5 द 10, तो ये आपके पास आ गया एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 4/5। बेटा फ्रैक्शन को आप रेशो की फॉर्म में लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स रेशो वाई इज इक्वल टू 4:5, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, बेटा ये क्वेश्चन नंबर 4 है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इफ द रेशियो 2+2P+5:3+4 एंड 3:4 आर इक्वल। बेटा हमें पी की वैल्यू फाइंड करनी है और क्वेश्चन में गिवन है कि ये दोनों रेशियोज बराबर हैं, ठीक है। आप यहाँ लेके गिवन डेट, बेटा के 2P+5:3P+4 ये बराबर है किसके, इज इक्वल टू 3:4, ये क्वेश्चन में गिवन है, ये पहली 2 रेशो और ये दूसरी 2 रेशो बराबर है। ये आगे हम जाके पढ़ेंगे, ये बेसिकली प्रोपोर्शन होता है, ठीक है। प्रोपोर्शन में क्या होता है कि ये 2 रेशोज को इक्वेट करते हैं। अच्छा, अब आपको याद है कि रेशो को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर जैसे यूं लिखा हो वी नो दैट ए रेशो बी है, तो आप इसे ए अपॉन बी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप इसे लिख लेंगे 2P+5 डिवाइडेड बाय 3P+4 इज इक्वल टू 3/4। अब बच्चों आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय 2P+5 इज इक्वल टू 3
और ये 3p+4। अब देखिए 4 to the 8p और 4 5 the 20 और 3 3 the 9p और 3 4 the 12। अब आप p की टर्म्स को एक तरफ ले जाएं और कांस्टेंट को एक तरफ ले जाएं और कोशिश करें कि p प्लस ही हो, तो ये आप 20 माइनस 12 को यहाँ ले आए और ये 9p और ये -8p को राइट पे ले जाएं, ठीक है। अब 20 में से 12 गया तो आपके पास 8 आ जाएगा और 9p माइनस 8 भी आपके पास आ जाएगा p। तो चाहें तो आप लिख सकते हैं p = 8। जो वेरिएबल होता है वो तो हमेशा लेफ्ट साइड पर होता है, ठीक है। तो अब आ जाए क्वेश्चन नंबर आप लोग, देखिए जो 5 पार्ट सेम ही है, इसका जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बेटा ये क्वेश्चन नंबर 6 है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और 7 भी ऐसे ही होगा कि टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:8। इफ 9 इज एडेड टू ईच नंबर, यानी दो नंबर्स हैं जिनका रेशियो 5:8 है और इन दोनों में 9 अगर आप ऐड करें, ठीक है, वी गेट अ न्यू रेशियो, नई रेशियो 8:11 बन जाती है, फाइंड द नंबर्स। अच्छा बेटा देखिए एक बात तो आप याद रखिएगा, देखिए जो रेशियो होती है ना वो होती है सिंप्लीफाइड फॉर्म ना। देखिए अब देखिए फॉर एग्जांपल देखिए जैसे आपको ये 5:8 दिया हुआ है ना, तो हो सकता है मे बी कि जैसे यहाँ पर ये हो कि ये 25 और रेशियो 25:40 हो, ठीक है, क्योंकि इनको यदि आपने अगर फॉर एग्जाम्पल 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 5 आ जाएगा, 5 5 25 और 5 8 40। तो यानी ये 5:8 है, हो सकता है कि ये 25:40 हो या किसी और नंबर का मल्टीपल हो, ठीक है, कोई सा नंबर मल्टीपल हो सकता है, वो 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है। इस वजह से हम खुद अज्यूम करेंगे कि जो नंबर है वो 5x:8x है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सोल्यूशन में, यानी देखें यानी ये आपके पास जो है ना ये 5 मल्टीपल ऑफ x है और रेशो जैसे 8 मल्टीपल ऑफ x है। x जैसे यहाँ पर हो सकता है फॉर एग्जांपल 5 हो या कुछ और नंबर हो, ठीक है, आप 6 भी कर सकते हैं। अगर देखिए अगर आप x 6 करेंगे तो ये नंबर 30 आ जाएगा और ये नंबर आ जाएगा 48 और फिर ये कैंसिल हो गया, आपके पास 5 और 8 आ जाएगा, ठीक है। इस वजह से हम क्या करेंगे, जो नंबर्स हैं वो 5x और 8x लेंगे, क्योंकि वो जो है ना वो सिंप्लीफाइड फॉर्म हो के आया ये, ठीक है। अब हम यहाँ सोल्यूशन में लिखते हैं कि सिंस द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 5:8, ठीक है। अब आप यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर मल्टीप्लाई ईच नंबर ऑफ द रेशियो विद एक्स, ठीक है बेटा। यानी आपने क्योंकि ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है तो आपने इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, तो देन द नंबर्स ये आ जाएंगे, देन द नंबर्स विल बी 3x, सॉरी नंबर विल बी 5x and 8x हो जाएगा, ठीक है, एंड द रेशो एंड रेशो इज 5x:8x, ठीक है बेटा। तो
टू के नंबर आपके पास जो नंबर थे वो 5:8 में थे, क्योंकि ये नंबर सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया आते हैं, तो आपने इनको एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, 5x और 8x आ गया। अब देखिए जो कंडीशन अब आपको दी हुई है, अब देखिए जो कंडीशन ये दी हुई है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अब आप यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, बड़े कंडीशन में क्या कह रहे हैं आप इन दोनों नंबर्स में क्या ऐड करें, 9 ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए आपके पास आ जाएगा, देखिए 5x और इसमें भी आपने 9 ऐड कर दिया और फिर रेशो 8x, इसमें भी आपने 9 ऐड कर दिया, तो रिजल्ट आपके पास आ जाता है 8:11, ठीक है। ये आपने ऐड किया, ठीक है, दोनों में आपने 9 ऐड किया, तो रिजल्ट आपके पास कितना आ गया है, 8/11। अब आपको याद है कि रेशियो को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, 5x+9 डिवाइडेड बाय 8x और +9 इज इक्वल टू 8/11, ठीक है बेटा, ये आपके पास आ गया। अब हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 11 और ये 5x और ये +9 और इज इक्वल टू 8 और मल्टीप्लाई बाय 8x और +9। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 5 द 55x, 11 9 द 99, और ये 8 8 द 64x, 8 9 द 72। अब आप देखें ये 99 -72 को यहाँ पर ले आए, तो ये 64x और -55x। अब देखिए 99 में से जब आप 72 को माइनस कर देंगे तो 9 में 7 गए तो 2 और 9 में से 2 गए तो 7 आ गया, ठीक है। या अगर 27 और 64 में से 55 को जब माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 9x, और फिर 9 को यहाँ लाके डिवाइड कर देंगे आप, 27/9 इज इक्वल टू एक्स। अब बेटा देखिए ये 9 1 द 9, 9 3 द 27, ये एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3। अब बेटा देखिए जो फर्स्ट नंबर आपने लिया हुआ है 5x, ठीक है, फर्स्ट नंबर आपने लिया 5x, दूसरा नंबर 8x लिया है, तो आप यहाँ लिख लेंगे देयरफोर जो फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 5x है, और फिर देखिए 5 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर ये आ जाएगा 15, ठीक है। और फिर जो सेकंड नंबर है, जो सेकंड नंबर है वो आपके पास है 8x, ठीक है, और फिर देखिए ये आपके पास आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 3, आ जाएगा 24। बेटा ये दो नंबर आ जाएंगे, ठीक है, और निकलेंगे हेंस द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 5, 15 एंड 24, मतलब ये दो नंबर आ गए, ठीक है। अगर आप इनमें 9 ऐड करेंगे तो वो रेशो आपके पास आ जाएगा 8:11 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप आपने यहाँ तक कर लेना है, तो बाकी भी इंशाल्लाह जो नेक्स्ट टाइम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो भी ऐसे ही है, और उसके बाद हम करेंगे प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस, ठीक है। तो अपने स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़, आपको रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, वीडियो को भी लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।